उसमें कपड़ा नहीं लगा रहेगा, ये बिल्कुल सील्ड रहेगा, इसके अपना कपड़ा को खोलना खालना नहीं है। ठीक, यहाँ वो जो नाव है ना वो, और ये बाकी लोग बैठ जाइए, सबको मौका मिलेगा, देख लीजिए। अब देखिए सर, अभी ये मतलब नहीं जाना है, शुरू में शुरू में। अब हम क्या करने जा रहे हैं, मालपुर की तैयारी कर रहे हैं सर, ठीक है। कौन सी यूनिट जो है उसमें रहेगी, ये रही पैड और ये रही, किस क्रम में रखी रहेगी, अभी रखा है सही है गलत है, ये तो दस दिख रहा है, तो ये राइट में रहेगी या लेफ्ट में, दस अभी उल्टा है। नहीं, आप मान के चलो कि आप महापुर की तैयारी कर रहे हैं, ये बूथ है, ये आप आया बताता है, ये दूसरे है, यदि मैं वोटर हूँ, रखिए उसी तरह से, उसी तरह यदि मैं वोटर हूँ तो पहले उल्टा है, आपको वोटर के साथ काम करना है, चलिए लीडर लगा चाहिए, ये आ गए बाय, अब जी यू को मान लो तीन नंबर के पास, मान लीजिए तीन नंबर के पास, ठीक है, वो इधर है, बाहर रहेगा उसके बाहर है ना, तो ये अब इसी कनेक्शन है, हाँ मैं जब भी बात किया था सर, देखिए एक नॉब यहाँ भी है, ये 01 पे रहेगा है ना, इस तरफ रहेगा बाएं तरफ, ये दाहिने तरफ नहीं रहेगा, ये लिखा हुआ भी है 010, तो वन तरफ ही रहेगा, हमको इसको छेड़ना नहीं है, कमिश्ती में सब पढ़ते मिलेगा, बैटरी है ये लगी हुई मिलेगी, दो छिद्र है वो नई बैटरी लग के मिलेगी, यहाँ पे नीचे सेक्शन ये लगी हुई मिलेगी, यहाँ दो नॉब है अंदर में, उसके जाके आपको इसको जो उसके ये लगे, ठीक है, अब जोड़िए सर, सर ये बीयू का जो लाल जाएगा बी इधर आ जाइए, इधर इस साइड बैठ जाइए, आप लोग तो बैठ के देखें, सबको देखें, आप लोग भी करेंगे सर, इसमें रेड उसमें रेड और निशान है, उसमें रेड और ब्लैक का, उसका जो रेड है उसके रेड से मिला करके, रेड को रेड से ब्लैक को ब्लैक से ऐसा मिला करके, और इसमें टॉप लिखा भी है, ये टॉप लिखा है, टॉप ऊपर रहेगा देखिए, एकदम सही तरीके से पकड़ा है ना, जो साइड में स्विच है उसको दबाना नहीं, सिर्फ लीड को पकड़ के हल्का सा कट की आवाज आएगी, निकालते समय दबा और निकाल सकते हैं, और हल्का सा खींच के देगी प्रॉपर वो फिक्स हुआ है। अब वो सर कर रहे हैं क्या, इसको किससे कनेक्ट कर रहे हैं सर, वी पेड की लीड को कंट्रोल, ठीक है सर, ये हो गया, इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम खड़ी करें, पेपर रोल आपको लगा लगा नहीं है, इसको छेड़ना ही नहीं, अब उसको देखिए क्या क्या मशीन दिखाएगा, बोलते चलिए सर आप।
ऑन हो गया, ऑन हो गया, एरर है, नहीं आ रहा है, बैटरी चेक कर रहा है, अनकूल भाई एरर हो गया, फिर से काम करना पड़ेगा। देखो जैसे ही ऑन किए 7% की गिरी होगी, है ना, गिर रही है, यहाँ इसका लैंप भी जल जाता है। पहले बैटरी होता है। अब मशीन वो जो सीयू है ये दोनों के बारे में जानकारी बताए, पूछ रहा है वो, अब बताएगा। देखिए देखते चलिए क्या दिखा रहा है सर, सेल्स को चेक, सेल्स को चेक कर रहा है, सेल्स को चेक कर रहा है, डेट बता रहा है 12/4/24, टाइम है 16:28, 4:28। क्या दिखा रहा है, सीरियल नंबर, किसका सीरियल, कैंडिडेट, कैंडिडेट 16 के लिए, ठीक है। बैटरी मीडियम 71%, ये नहीं मिलेगा इतना वाला आपको, 70% 95 तक भी रहेगा। डिस्कवरी यूनिट खोज कर रहा है, इनको जोड़ रहा है, क्या दिखा है, ड्यू की टेस्टिंग हो रही है ना, ड्यू टेस्टिंग, ड्यू टेस्टिंग, टेस्टिंग क्या दिखा है, ओके दिखा है, वी पैड टेस्टिंग, वी पैड टेस्टिंग, क्या होगा, टेस्ट होके उनका चल रहा है, ओके यू इज रेडी, एवरीथिंग इज ओके, थिंग इज रेडी, ठीक है, हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, मार्कपुर करने हैं, मार्कपुर पहले मतलब सियासी कर देते ना, थोड़ा क्लोज कर लेते हैं, टोटल देखने पर टोटल देख लेते हैं, टोटल देख लेते हैं कि नहीं कर, खाली एक टोटल देख, अच्छा क्वेश्चन है ना, आपको सीआरसी की करी हुई मिली है ना, अभी हम सीआरसी हम क्या कर रहे हैं, मार्कपुर कर रहे हैं, ऑलरेडी मिलेगी। आप जैसे आपने बोला है क्या करते हैं, बहुत अच्छा बोले, टोटल बटन दबा के टोटल पता चल जाएगा सीआरसी हुआ नहीं हुआ, दबाइए टोटल, बैटरी बताया 71%, टाइम बता रहा है अभी का, कैंडिडेट 16, टोटल पोल्स 0, उसका मतलब ये कि सीआरसी हुआ है, करने की जरूरत नहीं है, टाइम पास अपना काम ठीक कर लीजिए, टाइम ये तो अपना लेगा ही, अपना पूरा टाइम लेगा, उनका बैटरी बता रहे 99%, उनका बैटरी का ही बताते हैं, बैटरी जाए बताए, हो गया सर, अब क्या करेंगे, रेडी बोलेगा, ये हो गया, हो गया तो उसको नहीं बताए, है ना, अब बाकी लोग क्या करेंगे, आप लोग करेंगे या इनको करने का, सब तो है ही सर, हाँ चलो बैलेट जारी करिए, एक मिनट, मार्कपुर कर रहे हैं ना, कुछ काम छूटा है हमारा, इसको नहीं दिखाया एजेंट को भी तो करने के लिए, है ना, एजेंट लोग देख रहे हैं, एजेंट लोग को क्या दिखाना है भाई, यहाँ देखो है ना, उसको पहले ही करना चाहिए था अपने को, मतलब ध्यान दिलवा रहे हैं, तो हम इसको पहले 7% निकाल लीजिए, निकाल थोड़ा निकाल लीजिए, अब आप देखो हम वहाँ पे 0 दिखा रहे, उससे क्लियर कर दिया, मगर ये निकालना भूल गया, पर्ची पर्ची तो वो करने के पहले पहले टॉप है, पर्ची एक भी ना हो, चालू किया मार्केट 7% की आवाज ब्रॉडकास्ट कीजिए, वोटिंग रैंडमली 5-6 वोट डलवा, क्योंकि सीआरसी में करना पड़ेगा, हो गया तो फिर बैठते बोल दीजिए, कितने हुए आखिरी तक है, नोटा तक आ जाइए, नोट करिए करिए करिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं जाना ठीक, चलिए लास्ट नोटा दबा दो, कोई भी ठीक है।
पाँच हो गए पर अपने को पचास से ज़्यादा करना है। अभी हम प्रैक्टिस करिए, ठीक है, पर्ची पर जरूर ध्यान रखें। एक ये आपका मार्कपुर पचास से ज़्यादा हो गया, मान लो थोड़ी हो गया ना। अब क्या करेंगे, टोटल टोटल लिख, चलिए कोई बात नहीं, क्लोज करना। देखिए अब यहाँ पे अपने को क्रम पे आना है। अब भैया अब आप क्लोज दबाएंगे तब भी टोटल देख सकते हैं। वो आखिर में दिखाएगा टोटल क्लोज करते हैं। वहाँ आपको यही परसेंटेज दिखेगा, लगभग लगभग 99 से 98, उससे ज़्यादा कम नहीं, बिकॉज फ्रेश बन गया। ओके, आप क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, क्लोज कर। थोड़ा सा दो से फ्रेश करेंगे ना, कई मशीनों का वो रहता है। ये हो गया फोर फ्लोर, मतलब अब मशीन में आप फोर साल नहीं सकते। ओके, अब क्या करेंगे सर, उसके बाद क्या करेंगे, दवाई मार्कपुर में ही करना है, बस मेन में नहीं करना है, बस मेन में हो गया तो फिर हो गया, मेन में हो गया तो हमारा भी काम हो जाएगा। हुआ एक आध केस ऐसा भी हुआ, वही बूथ में घोषणा करने जाएंगे सर, कौन जीता है सर, पहले ड्यूटी डबल था, इसलिए एक मार था, इस समय सिंगल रहेगा। मशीन अपने से संबंधित पूरी जानकारी दिखाएगी सीईओ सर। 1415 आपकी जो बैटरी मिलेगी ना, कंट्रोल यूनिट की बैटरी जो फुल मिलेगी आपको, और ये बैटरी आप 1500 के 1700 से डल पाएंगे जी सर। अरे हमारे 64 के लिए दिखा रहा है आपको, बोल चौक के 64 कैंडिडेट वन को वन जितने में डाला है वो सब दिखाया। आपको इसका जो पेपर रोल है, ये पेपर रोल की भी कैपेसिटी पर्याप्त है, 1500-1600 में वो दोनों कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी की भी कंडीशन वही है सबको, अगर बैटरी नहीं होगी आप सोचिए जरा, इसकी बैटरी को सील होने के बाद कोई नहीं खोलता है, इसको ना छेड़ता है, ये कब खुलता है काउंटिंग के लिए, उसके बाद भी 6 महीने तक के इसको काउंटिंग होने के बाद सीलिंग होती है, उसको भी कोई नहीं खोलता। यदि किसी प्रकार से पिटिशन दायर हुई थी कोर्ट में खुलती है, तो बैटरी कैपेसिटी बहुत है, उसकी चिंता करने का आवश्यकता। और जैसे वो दिखाया हमने देखा ही है, हम सेक्टर ऑफिसर के माध्यम से चेंज करवा दिए, पूरा 16 दिखाया। अब क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, क्लियर काला पीला सफेद, काला पीला सफेद, राइट, के पी डब्ल्यू हो गया। पहला पूरे को क्लियर करेगा, फिर वन बाय वन क्लियर करेगा। छूट जाएगा, ऐसे लाभ नहीं कर रहे हैं, ऐसे रख रहे हैं, किसको बताएगा, बताने ही पड़ेगा ना, जीरो तैयार हो गए। प्रोसीजर 16 तक पूरा 16 तक जाएगा जी।
डाटा में समझ आ गया। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। देखिए सीलिंग कर रहे हैं, कुछ काम बचा है तो खोलेंगे। बचा है ना सर? क्या बचा है? इसमें साइन लगे, इनको दोनों को यहाँ डालने के पहले साइन कराना है। ये नंबर है, नंबर के पूरा प्रक्रिया कैद हो चुका है। मैंने सील भी लगाना है, मुझे सिग्नेचर होगा। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, साइन करवा लीजिए छोटा सा कागज है, जगह देख करके नंबर पे मत आए। चलिए अब चलिए बोलते भी चलना है, क्या करना है। चलिए चलिए डालिए ठीक ऐसे ही। अब देखिए इनका रखने का ही तरीका गलत है, इसलिए दो बार पलटा ही। क्या करना चाहिए सर? डाले सही हो, अभी जो आप लोग को पलटा है ना, ये स्थिति नहीं आई। आप इसको ऐसा करके डालो, थोड़ा ऐसे रखिए, ठीक है। सफ़ेद भाग ऊपर, कलर की बिंदी ऊपर, सामान ठीक, छिद्र है ऑटोमेटिकली, इसको ताकत की जरूरत ही नहीं। ठीक, आप चाहो तो लगा सकते हैं, कंधा लगा सकते हो, हालांकि वो चिपक रहा है, अगर चाहो तो लगा सकते हो, उसमें कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं। अब हमने क्या बताया था कि रेड इसके ऊपर, सॉरी हरा इसके ऊपर आएगा और नीचे ये आया सर। ऊपरी भाग में सफ़ेद भाग दिख रहा है, ठीक है। इसको डाल के छोड़ दिए, बंद मत करिए। अब क्या करेंगे, इसको लगा नहीं रहा हूँ मैं, बता दें यह छिद्र है, ये बॉक्स में यहाँ छिद्र है, यहाँ धागा पीलो देगा, धागा पीलो के एक एक गठान बांध देता है, ठीक है जी। इसके बाद थोड़ी सी लेस बनाए, लेस बना के बाद यहाँ गठान बांध दे, लंबा धागा काट के बाहर कर दे, इतना लंबा करके यहाँ पे आ जाऊँगी कहीं, यहीं पर रख करके क्या करेंगे हम, चपड़ा लगा देना थोड़ा, ताकि चपड़ा इसके आस पास थोड़ी सी है, बड़े आसानी से कण बना हुआ है, फ्रंट पोर्शन में धागा लगा हुआ है, ऑलरेडी लेस बना हुआ धागा, अगर ऊपर है तो पीछे साइड रखिए और इसको ऐसे क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए, ठीक। यही ठीक है सर, बांधने में कोई दिक्कत नहीं हो गया, धागा लेस बांधा सील हो गया। इसके बाद अब ये बड़े ढक्कन को क्या कर दीजिए, बंद करें। अब देखिए यहाँ ए लिखा है, इसके स्टिकर को निकाल देंगे, स्टिकर लगाया ना नीचे, इसको निकाल के यहाँ चिपका, इसके बी के स्टिकर को निकाल देंगे, यहाँ चिपका है, नंबर पर आ जाएगा, ये नंबर दिखेगा, जितना भी चाहिए, सिग्नेचर भी दिखेगी यहाँ, ओके सिग्नेचर भी दिखेगी। ये चिपक गया सर, ये होने के बाद अब क्या बचा है, बाहर उसको बांध दीजिए, गार्ड उसे पिरो दीजिए, लेस बनाइए, लेस बनाने के बाद उसमें भी क्या करेंगे, चपड़ा और उसको बुला नहीं छोड़ो, उसको इतना लंबा बनाइए कि आप या तो यहाँ लगाइए या पीछे घुमा पीछे, तो क्या होता है डालते हुए फट जाए, है ना। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि काउंटिंग के समय सिर्फ यही जाती है, तो इसको क्या करें, इधर लगा दीजिए, सेलो टेप से चिपका दें, ये तो सील रहेगा, ये तो सिर भी इतनी बारे में सोचना ही नहीं है, इसके बारे में सोच तब ही आ सकती है जब इसकी बैटरी काम करना बंद हो, इधर का उधर का वो जो सीलिंग है ना जी जी छोड़ना ही नहीं है, ये खुला मिलेगा, इसी को इसी पे काम करना, ये लगा दी। अब आपकी मशीन क्या हो गई, सील हो गई, वास्तविक मतदान के लिए आपकी मशीन तैयार है। ड्रॉप बॉक्स आपने निकाल दिया, खाली करके दिखा दिया, यहाँ पे भी एड्रेस टैग लगा दीजिए, अगर दो लगाना है दो लगाए, यानी तो एक भी लगा सकते, धारा पी के दोनों तरफ से बांध के कपड़ा से सील करना, ठीक है। अगर सील करने के पहले एजेंट को दिखाना है जरूरी है, ठीक। ये सील हो गया मतलब इसको कोई नहीं खोल सकता, इसको भी कोई नहीं खोल सकता, मशीन आपकी बंद है। अब क्या हो रहा है, आपका वास्तविक मतदान चालू। यदि आपने टोटल का बटन दबा के देख लीजिए, इसलिए वो टैलेंट होल्ड करके रखे थे, लेखा बनाना इसमें आ जाएगा, वो इसी में दिखेगा, है ना, इसलिए देख कर टोटल नोट कर लीजिए, देख लीजिए, एजेंट बोलिए नोट कर लीजिए, ये हो गया, रोज दबा दिए टोटल बटन दबा दिए, ये हो गया मतदान खत्म। और उसके बटन दबाने के बाद तो ये काम नहीं करेगा ना, नहीं बिल्कुल रोज निकालने के समय दबाना है।
ये दोनों आना चाहिए, याद रखना है ये कि ये हर ऊपर में देना है, गुलाबी भी नीचे में चालू करो ना, एक बार ये चालू करो ना। अच्छा वो सीलिंग ना देना, चालू करो, चालू करने से पहले ये चालू करना, चालू हो गया वो ना ऊपर से।